माथुर साहब, आपको क्या लगता है जिस तरह से लगातार हस्तक्षेप अलग अलग मुल्क कर रहे हैं कि बातचीत का जरिया आना चाहिए, मध्यस्थता होनी चाहिए, लेकिन जो निगाह है वो सीधे भारत की ओर है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद पुतिन के सामने बैठकर ये कह चुके हैं कि ये वक्त युद्ध का नहीं है, ये समय युद्ध का नहीं है, तो आपको लगता है कि बातचीत से हल निकलेगा? निधि, देखिए, अपने आप को इसमें पॉजिटिव रहने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये बात मैं पूरी तरह से मानता हूं कि यदि कोई इसका हल निकलने की संभावना है तो सबसे अधिक संभावना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से हो सकती है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एकमात्र है कि हम उनके संबंध रूस से, यूरोपियन यूनियन से और अमेरिका से और जितने भी अलग अलग प्लेयर्स हैं सबसे उनके संबंध बिल्कुल सही हैं और सब लोग उनकी बात को तवज्जो देते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं इधर, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अमेरिका का जो रुख है वो प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनकी उनसे संभावना है कि वो एक मध्यस्थता का कर सकते हैं और इसको रोक सकते हैं। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि आज जो दो पावर्स आपस में ग्रेट पावर राइवलरी है। माथुर साहब, आप कह रहे हैं, निधि, एक सेंटेंस में कंप्लीट, तो वो अमेरिका और चाइना है और ये अमेरिका नीड्स इंडिया। आई हैव सेड दिस ऑन योर चैनल अर्लियर आल्सो, अमेरिका नीड्स इंडिया मोर देन इंडिया नीड्स अमेरिका। बहुत बड़ी बात, बैलेंस चाइना। माथुर साहब, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं।